मैंने रिसेंटली होम अप्लायंसेस खरीदे अमेजोन से और उनको आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो, क्योंकि ये जो अप्लायंसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी अप्लायंसेस है और मैंने काफ़ी रिसर्च करके इनको बाय किया है। ये सारे अप्लायंसेस हैं, तो इसमें आप देख सकते हो ये जो है ये फ्रिज है और ये है वॉशिंग मशीन और यहाँ पे वाटर प्यूरिफायर और उसके यहाँ पे ऊपर है गैस स्टोव। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, बिकॉज इफ़ यू आर सेटिंग अप अ न्यू हाउस तो आप ये सब बेसिक सारे अप्लायंसेज हाउस होल्ड अप्लायंसेज तो लेते ही हो, तो ऐसे में आपको कौन सा अच्छा कौन सा बेस्ट अप्लायंस है ये आपको पता हो। आपके जो अभी ये जो अप्लायंसेज है दे आर ऑल मीडियम बजट अप्लायंसेज, एक ऐसे नहीं कि एकदम ही एक्सपेंसिव है, मीडियम बजट अप्लायंसेज जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो एवरेज कंज्यूमर होता है जो बाय करता है वो। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके साथ को शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो बाय करने में। अगर आपको पसंद आए तो आप भी यू नो बाय कर सकते हो, जो मैंने बाय किया है मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एनीवेज तो मैं सोच रहा हूँ मैं अलग अलग ये वीडियो बनाऊँ कि एक ही वीडियो में बनाऊँ, एक ही वीडियो में डाल दिया तो लंबा भी हो जाएगा, इसी वजह से मैं आई थिंक अलग ही बनाऊँगा। तो उसमें से पहला वाला है ये गैस स्टोव और इसके साथ और एक गैस स्टोव लिया है मैंने जो सोलिमो का है, जो मैंने दूसरे घर के लिए लिया है। आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सा गैस स्टोव लेना चाहिए, तो मेरे पास ये दो ऑप्शंस है ऑलरेडी। तो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ मेरा जो सोलिमो का गैस स्टोव था उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो पैकेज तो मैंने खोल दिया है, मैंने इसलिए दिखाया नहीं क्योंकि बहुत सारा कचरा निकला पैकेज में से, आपको यकीन नहीं आता है। तो ये देखिए ये अब ये क्या देखने लायक चीज़ है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना सारा सब निकला पैकेज में से। ये देखिए अभी इसमें आपको क्या दिखाऊं मैं, इसके लिए मैंने वो फुटेज काट दी, तो अभी मैं इसको काटता हूँ। ओहो आइए देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी शानदार लग रहा है नहीं। और हाँ मैं ये आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ये मेरे खुद का गैस है, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, खुद का मतलब मैंने खुद ने पैसे दिए, नहीं तो आप समझोगे और आई हैव पेड माय ओन मनी टू गेट इट, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ और टेबल पर रख के आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है इसका। तो पहले तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ ऐसे, तो इसमें थोड़े से आइटम्स हैं, तो ये दो इसके वो जो बर्नर के जो स्टैंड होते हैं वो है। तो गाइस ये है वो गैस ग्लास टॉप है और काफ़ी अच्छे यू नो इसके नॉब्स एंड ऑल अच्छे क्वालिटी के तो लग तो रहे हैं। बाय द वे गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, चालू है क्या? नहीं ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो ये टफेंड ग्लास है, तो ये वो कंपनी है इसका नाम सोलिमो है, इसका मैं परचेज़ किया अराउंड 2000 रुपीज़। तो अभी अच्छे खासे आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं इफ़ यू वांट लाइक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक दिस। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये गैस स्टोव का ग्लास टॉप जो है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। ये है हम पीछे की तरफ ऑन द राइट हैंड कॉर्नर, इसको आप ना ऐसे टर्न कर सकते हो लेफ्ट या राइट, इससे क्या होगा कि आपका अगर गैस लेफ़्ट में रहेगा तो आप इसे लेफ़्ट में कर लीजिए और आपका पाइप ऐसे ये साइड कर सकते हैं, और राइट में गया तो राइट में, और अगर ऐसे नीचे रहेगा नीचे ऐसे होल वोल रहेगा आपका वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सिस्टम है जिससे कि आप यू नो कोई भी ओरिएंटेशन में आपका गैस लगा सकते हैं, राइट लेफ़्ट कहीं भी आपका जो सिलेंडर जहाँ लगता है वैसे। इट्स क्वाइट अ नाइस हाई फ्लेम, काफ़ी ईजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, आप खुद भी कर सकते हो लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आप टेक्नीशियन को बुला के कर लीजिए क्योंकि एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो अब हम आते हैं प्रेस्टीज के गैस स्टोव की तरफ, मैट ब्लैक फिनिश का है, पूरा डार्क ग्लास है और इससे ना ज़रा ज़्यादा प्रीमियम वाली फीलिंग आती है जब आप देखते हो ग्लास टॉप में देख रहा हूँ। ये थिकेंड है, काफ़ी टफ है इन कंपैरिजन टू सोलिमो, ऐसे मुझे लग तो रहा है यहाँ पे। तो वैसे देखा जाए तो अगर आप 3 से 4 लोगों की फैमिली हो तो ये
गैस स्टोव आपके लिए परफेक्ट है। तो मैं ये प्रेस्टीज का जो 3 बर्नर वाला गैस स्टोव है इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये इसकी जो इंस्टॉलेशन है प्रेस्टीज के गैस स्टोव की ये थोड़ी सी लेंथी थी, इसलिए नहीं कि अलग ब्रांड का है, लेकिन इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाइप्ड गैस है और पाइप्ड गैस की कनेक्शन अगर आपके घर पे है तो आपको थोड़ा सा वो मॉडिफाई करना पड़ता है। टेक्नीशियन एकदम 10-15 मिनट का काम होता है, वो टेक्नीशियन कर देते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाता है इन कंपेरिजन टू अ सिलेंडर का गैस। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, नोजल को थोड़ा वाइड उसको कर देते हैं क्योंकि पाइप्ड गैस जो होता है वो थोड़े से कम प्रेशर में सप्लाई होता है और सिलेंडर का गैस जो होता है वो थोड़ा हाई प्रेशर पे होता है, तो इट इज़ अ बिट मोर कंप्रेस्ड। सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हो ये फ्लेम इसकी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़े से प्रिकॉशंस बताने वाला हूँ। तो ग्लास एक ऐसी चीज़ होती है जो हाई टेम्परेचर पे वो एक्सपैंड होती है, तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप कुकिंग कर चुके हो ग्लास टॉप पे तो उसको ठंडा होने दीजिए लगभग आधे घंटे के लिए, क्योंकि अगर आप उसे ठंडा नहीं होने दोगे और उसके ऊपर आप साफ़ करने के लिए पानी या कोई कम टेम्परेचर वाली चीज़ रख दोगे तो वो ग्लास तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है और उसके वजह से क्या होता है, क्रैक आते हैं। तो ये गलती आप कभी करना मत, इसीलिए आप उसे ठंडा होने दीजिए और फिर जाके आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो ये बात ज़रूर याद रखिए दोस्तों।